हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुलेखा, आज मैं आपको ये 3D फ्लावर विथ पफ बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 3D फ्लावर बनाना बताया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख लें कि इसे कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस कलर का हम ये सर्कल बनाएंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे रेड कलर का सर्कल बनाया है, तो उसी तरह जो हमारे ये पफ है वो भी हमें रेड कलर से बनाना है। तो ये हमने रेड कलर लिया है और हमने ये क्रोशिया लिया है। फ्रेंड्स, ये हमारा इस फ्लावर को हमें पीछे इस तरह टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर जो हमारे ये देखिए, जो पीछे जो हमारा ये चैन दिख रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली, तो हमें कोई सा भी चैन ले लेना है। फिर ये धागे को हमें वहाँ पे नोट लगा लेना है, रेड वाली। धागे में अच्छे से हमें नोट लगा लेना है फ्रेंड्स, कि धागा हमारा खुले नहीं। कुछ के बाद फिर हमें यहाँ पे एक लूप बनाना है, ये देखिए। फिर हमें धागे को, ये जो हमारा लूप है, इस लूप को हमें थोड़ा बड़ा करना है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर जो ये हमारा है, ये देखिए, इसके अंदर हमें क्रोशिया को 8 बार इसी तरह करना है। एक पफ में बनाना है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। फिर ये धागे को हमें इस तरह दो उंगलियों की सहायता से इस तरह हमें दबा के रखना है। सारे धागे को, सारे जो हमारा था, सारे धागे को हमने अंदर से ले लिया। फिर जो ये हमने धागा पकड़ा था, फिर धागे को हमने अच्छे से टाइट कर लिया। फिर दोनों जो हमारा था घर, उस तरह हमने से धागे को बाहर निकाल लिया। फिर हमें यहाँ पे चार चैन बनाना है, एक, दो, तीन, चार। फिर उसी घर में, ये देखिए, उसी घर में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया, ये हमारा पफ, ये देखिए हमारा पफ बन गया फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे चार चैन बनाना है, एक, दो, तीन, चार। फिर जो अगला चैन है, ये देखिए, जो हमारा अगला घर है, वहाँ पर हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। फिर इसी तरह हमें लूप को बड़ा करना है फ्रेंड्स। फिर उसी तरह हमें 8 बार धागे को लेना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। फिर धागे को इस तरह हमें पकड़ना है, ये धागे को सारे धागे के अंदर से हमें इस तरह बाहर निकालना है। फिर जो धागा हमने पकड़ा था, ये देखिए, इसे इस तरह लेना है क्रोशिया पे, इस तरह हमें धागे को टाइट कर लेना है। और फिर दोनों धागों को साथ में हमें इस तरह ले लेना है। फिर हमें यहाँ पे चार चेन बनाना है, एक, दो, तीन, चार। ये देखिए हमारा दूसरा पफ भी तैयार हो चुका है। फिर उसी घर में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है, ये देखिए। फिर हमें चार चेन बनाना है, एक, दो, तीन, चार। और उसकी अगली वाली, अगले घर में हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है फ्रेंड्स। फिर लूप को हमें बड़ा करना है। इसी तरह हमें फिर से 8 बार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। फिर धागे को पकड़ना है इस तरह, सारे धागे को एक साथ हमें लेना है। फिर हमें चार चेन बनाना है, उसी घर में हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना है फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिया से। फिर हमें चार चेन बनाना है। फिर अगली जो घर है हमारा, अगला घर, उसमें हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। इसी तरह हमें ये पफ बनाना है फ्रेंड्स, ये देखिए। इसी तरह ये हमारा
जितना भी है ये देखिए, सारे में हमें इसी तरह पफ बनाना है। चार चैन उसी घर में हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है, फिर चार चैन अगले वाले घर में ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशिया, फिर लूप को बड़ा करना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ जितनी भी चैन्स है हमारे फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर जितना भी हमारा है सारे में हमें बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमें सारे में बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे घर में पफ बना लिया है। उसके बाद फिर जो हमने ये चार चैन लिया है, जो हमारा ये पहला पफ है वहाँ पर हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है फ्रेंड्स। फिर एक चैन लेकर हम धागे को कट कर लेना है हमें। ये हमारे हर घर में हमने पफ बना लिया फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमें फ्लावर को इस तरह टर्न करना है। ये देखिए, ये जो हमारा ये जो गैप दिख रहा है, इससे हमें इसे पफ जो हमने बनाया है उसे बाहर निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर हमारा तैयार हो चुका है। कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसके बीच में हमें एक मोती ऐड करना है। धागे हमने ये मोती ऐड कर लिया फ्रेंड्स, ये देखिए। फिर हमें धागे को कट कर लेना है।
फ्लावर को टर्न करके धागे को हमें पीछे की साइड से हमें धागे को बाहर निकालना है। फिर पीछे जो हमारा दो धागा है इसमें हमें नोट लगा लेना है फ्रेंड्स अच्छे से कि धागा हमारा खुले ना। ये देखिए फ्रेंड्स ये बनकर हमारा 3D फ्लावर विथ पफ तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे आप कोई भी सिंपल थालपोस में ये देखिए किसी भी सिंपल थालपोस में आप इसे बीच में इस तरह आप लगा सकते हैं। ये देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटा घड़ी पर क्लिक जरूर करें फ्रेंड्स कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।